है कि मुझे नहीं पता कि बाबा साहेब सिर्फ एक वर्ग के नेता नहीं थे, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि ऐसा उनको क्यों कहना पड़ा कि बाबा साहेब सिर्फ एक वर्ग के नेता नहीं थे। आज जो आप भारत देख रहे हैं उसमें सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी भूमिका है। एक तरफ सरदार पटेल भारत का मानचित्र बना रहे थे और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब उसमें कलर भर रहे थे, उसमें कलरफुल कर रहे थे। आज अब जब सोशल मीडिया आप देखेंगे तो कई संगठन आपको मिल जाएंगे। पिछले 3 साल से मैं यहां का आरडी प्रेसिडेंट हूं और पिछले 10 महीने से पूरे भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं डॉक्टर्स का। पिछले कुछ दिनों में, विगत दिनों में आपने देखा है कि बाबा साहेब का उपयोग सभी संगठन कर रहे हैं, और उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, उसका दुरुपयोग करना चाहिए, सही मायने में दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका फोटो लगाते हैं और दूसरे वर्ग के लोगों को या दूसरी जाति के लोगों को गालियां देते हैं। आप सोचिए, जरा सोचिए कि बाबा साहेब इससे खुश होंगे? अपने आप को रख के देखिए उस जगह पर, सोचिए कि आज बाबा साहेब होते तो क्या वो इस पर प्रसन्न होते? अभी देखा हमने टीवी में कई न्यूज आई है कुछ दिनों पहले कि भीम सेना और ये सेना वो सेना शिव सेना, मैं इसमें बीच में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं पूर्णतः गैर राजनीतिक संगठन से हूं और दूसरे संगठनों को दूसरी जातियों को गाली दे रहे थे, क्या उचित है? क्या बाबा भीमराव अंबेडकर ने ऐसे भारत की कल्पना की थी? अपने आप से पूछिए जरा, क्या हम बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार कर रहे हैं? उन्होंने कहा था कि संविधान की परिकल्पना को पूरा कीजिए, इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाइए, इसमें हमारा क्या योगदान है? आज जो हम खुली सांस में हवा ले रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं खुली हवा में, उसके लिए सबसे बड़ा योगदान बाबा भीमराव अंबेडकर का था, जो हमें 8 घंटे काम करना पड़ रहा है या जो हमारी आजादी हमको मिली है। लेकिन क्या इस आजादी का हम सही उपयोग कर रहे हैं? क्या हम दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए। मैं ये कुछ नहीं जाना चाहूंगा, आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन सही मायने में जो बाबा साहेब अंबेडकर के जो संगठन बाबा साहेब अंबेडकर के रूप नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर को नहीं पढ़ा, वो पढ़ा है तो उसको सही से नहीं पढ़ा, या उनके खुद के द्वारा लिखी हुई ग्रंथ को नहीं पढ़ा, उनके खुद के द्वारा लिखी हुई किताबों को नहीं पढ़ा। मैंने उनकी 4 किताब पढ़ी है, मैंने उनकी 4 किताब पढ़ी है और वो किताबें पढ़ी है जो दूसरे लोगों ने उनके ऊपर लिखी है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट की है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट की है। आजादी के बाद की किताब जो लोगों ने उनपे लिखी है, 1957 में उनसे क्वेश्चन पूछा था किसी ने नागपुर में कि बाबा साहेब जब आपको कांग्रेस के नेता आपको हराने के लिए के पूरी कोशिश कर रहे हैं, नेहरू वगैरह वगैरह सब लोग, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने एक बहुत अच्छा आंसर दिया था, क्या यह देश कांग्रेस का है या यह देश किसी राजनीतिक पार्टी का है, यह देश मेरा है या यह देश सबका है? इस देश को आजाद कराने के लिए, इस देश को बनाने के लिए सभी लोगों ने अपना खून पसीना बहा है, जो मैंने संविधान लिखा है वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं लिखा है, किसी एक जाति एक धर्म के लिए नहीं लिखा है। इस देश में जो रह रहे हैं सारे लोग, उन सबके सब पे इंप्लीमेंट होता है, सब पे अप्लाई होता है। तो मैं सिर्फ इतना आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बाबा साहेब अंबेडकर के सही सिद्धांतों का पालन कीजिए, सही सिद्धांतों का पालन कीजिए। जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है ना, ये कहीं बाबा साहेब का आत्मा बहुत दुखी होगी, बहुत दुखी होगी। अब मैं कैसा देश देखे इनको गया था, इन्होंने कैसा देश बना दिया है, किस दिशा में ये भारत को ले जा रहे हैं। इनके इन लोगों के लिए मैंने हक की लड़ाई लड़ी, इन लोगों के लिए मैं इतना संघर्ष किया, लेकिन मेरे नाम का दुरुपयोग करके इन लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अगर आपको वास्तव में जाना है तो गांव में जाइए, दूरदराज में, जिनको वास्तव में जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जिनको पूरा हक नहीं मिल पा रहा है, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। अभी मुझसे पहले एक वक्तव्य आए थे, उन्होंने कहा कि 4 सेवाएं होती हैं, वो सबसे बड़ी सेवा होती है नर सेवा, नारायण सेवा, जो कि हम मरीजों की सेवा करते हैं वो सबसे बड़ी सेवा होती है। और मैं इसके पहले हमेशा बोलता आया हूं कि इस अस्पताल के, किसी अस्पताल के 4 सबसे महत्वपूर्ण पिलर होते हैं,
डॉक्टर्स, नर्सेस, कर्मचारी एंड सुलभ वर्कर्स, अगर इनमें एक भी पिलर कमजोर होगा तो ये अस्पताल कभी अपने सही मायने में खड़ा नहीं हो पाएगा। सबको साथ आना पड़ेगा, सबका छोटा बड़ा के भाव भूलना पड़ेगा। सबसे पहले हम इंसान हैं, इंसान है सबसे पहले हम, इसके पहले हम किसी को मानने वाले हैं किसी को नहीं मानने वाले हैं। एक बुक मैंने पढ़ी, एक चिंतन बाबा साहेब अंबेडकर, एक चिंतन ले के द्वारा लिखी थी, उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी थी जो आज तक मैं हमेशा सोचता हूं, आदमी और इंसान में क्या अंतर है, आदमी और इंसान में क्या अंतर है। एक ये बुक कहां से लिखी थी बताऊं मैं आपको, कि जब एक बाबा साहेब अंबेडकर बाहर गए थे, आई थिंक चाइना या कहीं गए थे, तो उन्होंने देखा कि एक दार्शनिक एक लालटेन लेके बड़े बीच चौराहे पे जहां बहुत सारी भीड़ थी, दिन में धूप बहुत गहरी धूप थी, सूरज चमचमा रहा था, पर लालटेन लेके एक आदमी देख रहा था। लोगों ने ये पागल है, दार्शनिक तो वैसे पागल ही होते हैं ऐसा सब सोचते हैं। तो इतनी बड़े भरी धूप में वो लालटेन लेके क्या देख रहा, क्या ढूंढ रहा है? तो उस दार्शनिक ने कहा कि मैं इंसान ढूंढ रहा हूं, अपने आपके अपने आदमी के जो अंदर जो इंसान है ना उसको पहचानिए, अपना काम बड़ी ईमानदारी से कीजिए। एक बड़ा आप बाहर जब सोसाइटी में जाके आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, हम यहां पर हैं, लेकिन हमारी मैं डॉक्टर हूं इसका मतलब नहीं कि मेरा पूरा परिवार डॉक्टर है। बहुत आम आदमी है, बहुत आम इंसान है, वो भी एक सोसाइटी का पार्ट है। आप कर्मचारी हैं, आप अस्पताल में काम कर रहे हैं, लेकिन अब जब बाहर सोसाइटी में जाएंगे तो गालियां पड़ती हैं सरकारी डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, सरकारी यूनियन, जो भी सरकार में होते हैं, सरकारी सेवा हम देते हैं उनको सब गालियां पड़ती हैं, क्योंकि अपना काम टाइम पे नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं से उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और सब आज हम डॉक्टर हूं तो मैं करप्शन चार्जेस लगाऊंगा किस पर? पुलिस पर, टीचर्स पर, स्कूल में, कि सारे करप्ट हैं, ये सारे पैसे लेते हैं, वो मुझ पर लगाएंगे, मैं उस पर लगाऊंगा, सभी दूसरे पर लगा रहे हैं। लेकिन क्या हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ रहे हैं? क्या हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पालन सही तरीके से कर रहे हैं? अगर हर इंसान अपने आप को सुधार लेगा तो बाबा साहेब अम्बेडकर को सही सच्चे मायने में श्रद्धांजलि मिलेगी, तो उनकी आत्मा सुखी होगी कि हाँ, मैं जिन लोगों के लिए इतना संघर्ष किया, जिन लोगों के लिए भारत छोड़ के आया हूं, वो आज मेरे सिद्धांतों का सही मायने में पालन कर रहे हैं। फिर एक बात पुनः यही बोलता हूं मैं कि बाबा साहेब अंबेडकर किसी एक वर्ग के नेता नहीं थे, मुझसे पहले भी इन्होंने कहा, मैं भी बोल रहा हूं, मुझसे बाद में भी लोग कहेंगे, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं, मैं हूं, आप हैं, सब हैं, जो सोशल मीडिया पे जो जिस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं ना, उससे जरूर बहुत दुखी आत्मा होगी बाबा साहेब अंबेडकर की। बहुत बहुत धन्यवाद।